जय हिंद दोस्तों, गुड एम सी। आज का वीडियो यदि आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा तो ये कि आपकी जानकारी के अंदर कोई शुगर का पेशेंट है या आपकी फैमिली में है या फिर आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उस व्यक्ति से आप बहुत अच्छा और बहुत फास्ट रिजल्ट ले सकते हैं IMC के प्रोडक्टों पे। क्योंकि आज मैं एक तो ये बताने वाला हूँ कि आपको IMC के प्रोडक्ट देते हुए उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किन चीज़ों को खाना है, वो चीज़ें आप अच्छे से बता पाओगे। सेकेंड, कुछ नए एसोसिएट होते हैं जो IMC के प्रोडक्ट देते समय शुगर वाले मरीजों को ट्रीटमेंट देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आज आपको पता चलने वाली है। तो पहले बात कर लेते हैं खान पान के ऊपर, उसके बाद आपको वो भी बताने वाला हूँ कि शुगर के पेशेंट को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, तो दोस्तों शुगर के पेशेंट को आप हमेशा ये चीज बोलिए कि फीकी चाय के साथ, क्योंकि फीकी चाय तो वो पीते ही हैं, तो फीकी चाय के साथ वो कभी भी बिस्किट, ब्रेड, रस इत्यादि ना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें मीठी चाय के साथ अगर पी जाती है तो ये ठीक रहती हैं, यदि फीकी चाय के साथ इसको पीते हैं तो ये हार्मफुल होती है। किसके लिए? शुगर वाले पेशेंट के लिए। दूसरा, शुगर के पेशेंट को कभी भी पैकिंग वाला जूस या पैकिंग वाले कोई भी लिक्विड नहीं पीना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे शुगर लेवल एकदम से हाई होता है। मैदे से बनी हुई कोई भी आइटमें नहीं खानी चाहिए, वो चाहे किसी भी टाइप की है, चाहे मोमोज हो गए, चाहे बिस्किट हो गए, चाहे मैगी हो गई, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैदे की आइटम से बनती हैं। तो खा क्या क्या चीज़ें सकते हैं वो चीज़ आप बताइए, और क्या चीज़ें खानी चाहिए वो आप रेकमेंड जरूर करें। जैसे दूध दही खा पी सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, बेसन के आटे की रोटियां खा सकते हैं, गेहूं के आटे की रोटियां भी खानी पड़ जाए तो उसका चोखर को मत उतारें, उसके चोखर को छाने मत, ऐसे ही उसकी रोटियां बना के खाएं। या फिर मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे आटे आते हैं जिनको हम शुगर फ्री आटा बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर गेहूं छोड़ के और कई सारे आटों का मिश्रण होता है। बाकी सीजनली फ्रूट आप खा सकते हैं जो ज़्यादा मीठे ना हो, चने खा सकते हैं जो भुने हुए रोस्टेड चने होते हैं, सूप पी सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप शुगर के पेशेंट को रेकमेंड जरूर करें। अब रही बात ट्रीटमेंट में क्या क्या गलती होती है खासकर नए व्यक्ति से, अगर कोई नया ज्वाइन एसोसिएट है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आप कोई भी प्रोडक्ट देते हैं और आपको पता नहीं है कि वो सामने वाला व्यक्ति जिसको आप कोई और भी प्रोडक्ट दे रहे हैं वो शुगर का मरीज है। सपोज करो उस व्यक्ति को कमजोरी है और आपको पता है कि मान लीजिए कि कमजोरी में हमारा जीवन शक्ति रस बहुत अच्छा वर्क करता है, साथ में आपने डेली डाइट भी दे दी, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने लीवर का टॉनिक दे दिया यानी कि लीव के सिरप दे दी। अब आपने इन 3-4 चीजों में 2 बड़ी गलतियां कर दी। सबसे पहले तो जो आपने जीवन शक्ति रस दे दिया वो उस व्यक्ति को ताकत तो जरूर देगा, उस व्यक्ति की कमजोरी को जरूर दूर कर देगा, उसके चक्कर वक्कर आते हैं तो उसको दूर कर देगा, लेकिन समस्या ये है कि वो शुगर फ्री नहीं है, यानी कि शुगर के मरीज को वो देने का नहीं है, उसको और ज्यादा नुकसान कर सकता है। साथ में जो आपने लीव केयर सिरप दी वो ज्यादातर कौन सी रेकमेंड करते हैं? मीठे वाली, यानी कि शुगर फ्री भी आती है लेकिन देते बहुत कम लोग हैं, या फिर खासकर उन्हीं को दी जाती है जो शुगर के मरीज होते हैं। तो आपको इन चीजों का पहले ही ध्यान होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उसको आप बातों में पूछ सकते हैं कि कोई शुगर वगैरह की दिक्कत तो नहीं है, अगर है तो उनके लिए प्रोडक्टों को चेंज किया जा सकता है। सेकंड गलती क्या होती है कि मान लीजिए सामने वाले ने सब कुछ बता रखा है कि उसको शुगर की भी दिक्कत है, ये है वो है, लेकिन आप नए हैं, आपको अभी उतनी जानकारी नहीं है कि किन प्रोडक्टों को अवॉइड करना है, किन को देना है। आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट दे दें उनको, चाहे वो कफ सिरप हो गई, चाहे वो कुछ और सिरप हो गई जो मीठी होती है, लेकिन वो आपको देनी नहीं थी क्योंकि आप नए हैं, आपको उतनी जानकारी नहीं है। तो इन चीज़ों का भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और अब बात कर लेते हैं कि शुगर के मरीज को देना क्या है। शुगर के मरीज को इन बातों का तो ध्यान रखना ही है जो मैंने अभी बताया, साथ में आपको शुगर के मरीज को शुगर अवे टेबलेट, शुगर अवे रस, हिमालयन बेरी जूस, एलोवेरा जूस, श्री तुलसी, ये 5 चीजों का कॉम्बिनेशन बना के देते हैं तो रिजल्ट बहुत फास्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन ध्यान रहे, जो मैंने अभी परहेज बताए या फिर जो मैंने सावधानियां बताई हैं वो बरतना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कि किन प्रोडक्ट को कितना देना है। जो शुगर अवे रस है वो आपको 30-30 ml 2 टाइम देना है, शुगर अवे जो टेबलेट है वो दोनों टाइम एक एक देनी है, जिस टाइम पे आप वो जूस लो उसी टाइम पे वो भी आप ले सकते हैं, उसी जूस के अंदर आप 30-30 ml दोनों टाइम एलोवेरा जूस को मिक्स कर सकते हैं, 2-2 बूंदे श्री तुलसी की मिक्स कर सकते हैं। रही हिमालयन बेरी की बात, हिमालयन बेरी आप सुबह खाली पेट ले लें और शाम को अगर लें तो शाम के लगभग 4 या 5 बजे से पहले ले लें, नहीं तो शाम को रहने दें, क्योंकि हिमालयन बेरी जूस विटामिन सी का भंडार है और शाम के टाइम में ये चीज़ें अवॉइड करें, यानी
के लेनी नहीं होती। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी यदि अभी तक आपने वीडियो पर लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर दीजिए। हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो और सही वीडियो बना पाए। सेकंड, आज तक आपने अगर कभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो आज कर दीजिए, और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।